गोंदिया के पूर्व पार्षद लोकेश उर्फ कल्लू यादव को 11 जनवरी को गोली मार दी गई थी। इस मामले में पुलिस ने 6 आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर 4 को गिरफ्तार कर लिया है। लेकिन गिरफ्तार आरोपियों के बयान के बाद फिर 2 आरोपियों को 13 जनवरी की रात गिरफ्तार किया गया है। अब 14 व 15 जनवरी को फिर से 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। इस मामले में अब तक 9 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है, लेकिन मुख्य आरोपी प्रशांत मेश्राम अब भी फरार है। पैसों के लेन देन को लेकर पूर्व पार्षद लोकेश कल्लू यादव पर हेमू कॉलोनी यादव चौक में मोटरसाइकिल से आए आरोपियों ने गोली चलाकर जान से मारने की कोशिश की तथा वह वहां से भाग गए। इस मामले में पुलिस ने कर्मेश्वर पुलिस आरोपी गणेश शर्मा अक्षय मानकर को कल्मेश्वर से हिरासत में लिया गया है। उसका साथी कुम्भारी नगर निवासी धनराज उर्फ रिंकू राउत को गिरफ्तार किया गया, गंगाजरी जंगल से पकड़ा गया। नागसेन मंतो को गोंदिया से गिरफ्तार किया गया। इसके अलावा भीमनगर निवासी शुभम हुमने उम्र 27 साल, कुम्भारी नगर निवासी सुमित डोंगरी उम्र 23 साल, इन्हें 13 जनवरी की रात गिरफ्तार किया गया। अब फिर 14 जनवरी को कुम्भारी नगर निवासी रोहित मेश्राम उम्र 22 साल, नितेश उर्फ मोनू कोड़ापे उम्र 28 साल को बंदूक रखने के लिए मदद करने पर गिरफ्तार किया गया है। वहीं 15 जनवरी को सिंगल टोली निवासी आरोपी मयूर उर्फ सानू रंगारी को घटना के दिन आरोपी गणेश शर्मा व अक्षय मानकर को मोटरसाइकिल से भागने में मदद की, इसलिए गिरफ्तार किया गया है। लोकेश यादव गोलीकांड में अब तक 9 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है, लेकिन मुख्य आरोपी प्रशांत मेश्राम अब तक फरार है, जिसकी तलाश पुलिस कर रही है, जहां सहायक पुलिस निरीक्षक विजय गराड कर रहे हैं। लोकेश यादव गोलीकांड में इस्तेमाल की गई बंदूक, 3 जिंदा कारतूस, 2 मोटरसाइकिल व 4 मोबाइल आरोपी रोहित मेश्राम के पास से जब्त कर लिए गए हैं। सभी आरोपियों को 22 जनवरी तक पुलिस हिरासत में भेज दिया है। सध्या अपन 4 आरोपी अरेस्ट के लिए त्याच्यामध्ये गणेश शर्मा वय 21 वर्ष राहणार कळमेश्वर, अक्षय मानकर वय 28 वर्ष हाही राहणार कळमेश्वर, त्याचबरोबर धनराज उर्फ रिंकू राजेंद्र राऊत आणि त्याचबरोबर आरोपी नंबर 4 नागसेन बोधी मंतो या चौघांना आपण अटक केलेली आहे। यांना 10 दिवसाची पोलीस कोठडी मिळालेली आहे आणि 22/1/2024 पर्यंत आपल्याला त्यांचा PCR मिळालेला आहे। याच्यामध्ये मुख्य आरोपी सद्यस्थितीमध्ये जे काही इन्व्हेस्टिगेशन झाले त्याच्यानुसार जे निदर्शनास येते ते म्हणजे प्रशांत मेश्राम हा मूळचा राहणारा गोंदिया इथलाच आहे। त्याचबरोबर अजून एक आरोपी जो निष्पन्न होतोय तो म्हणजे रोहित मेश्राम, तोही मूळचा इथला परंतु सध्या राहणारा हल्ली मुक्काम कळमेश्वर। आतापर्यंत मिळालेल्या आपल्या तपासातल्या आणि प्राथमिक माहिती आणि इंटरोगेशनमधल्या माहितीप्रमाणे 1 राऊंड फायर झाला होता जो जखमीला लागलेला आहे। प्राइमा फेसी सध्याच्या इन्व्हेस्टिगेशननुसार झालेल्या इंट्रोगेशननुसार मिळालेल्या माहितीनुसार ज्याचं कोरॅबोरेशन जखमी आणि कालांतराने जे आरोपी अटक होतील यांच्याकडून जे कोरॅबोरेशन होईल तर त्याच्यानुसार जे काही निष्पन्न होईल ते होईल, परंतु सध्या मिळालेल्या माहितीनुसार जे काही त्यांचे आधीचे आर्थिक व्यवहार काही होते तर त्याच्यामध्ये साधारणपणे 8-9 महिन्यापूर्वी जे वितुष्ट निर्माण झालं होतं, देवाणघेवाणीचा जो विषय होता, तर याच्यातून हा प्रकार घडल्याचं साधारणपणे दिसून येत आहे। आत्तापर्यंतच्या आपल्या तपासामध्ये 2 आरोपी हे गोंदिया बाहेरचे आहेत आणि 2 आरोपी हे गोंदिया इथले आहेत। आरोपींची संख्या निश्चित वाढेल असं आम्हाला वाटतं। NBC न्यूज के लिए गोंदिया से अभिषेक भटनागर की रिपोर्ट।